कोचिंग आपका स्टॉक सो यार, अभी अभी आपने जो क्लिप देखा है वही सारी चीज है, और मैं इस क्लिप इंस्टाग्राम में भी अपलोड किया था कल, एंड बहुत सारे लोग उधर कमेंट्स कर रहे हैं भाई हम लोगों को पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि हम लोग तो आईसीएस दिए हैं और हम लोग को भी जानना है कि कैसे पेपर या फिर कैसे मार्किंग स्कीम होता है, कैसे आईसीएससी का टीचर्स मतलब के एग्जामिनर्स पेपर चेक करते हैं, किधर किधर मार्क्स क्या क्या चीज होता है, या फिर आखिर एलआईसीआर का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो मैं ये सारे चीज जब मैं 10th पास किया था या फिर मैं जब 12th भी दे रहा था उस टाइम मैं मेरा काउंसिल के टीचर्स को सारा चीज पूछा था कि मैम ये क्या होता है। मैंने सर को भी पूछा था, मतलब कि जो आईसीसी का काउंसिल का टीचर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं आपको बाद में उसका नाम बोलूंगा। ठीक है, कोलकाता का सबसे बड़ा एंड सबसे अच्छा बेस्ट कंप्यूटर साइंस टीचर है जो कि काउंसिल का टीचर ही है, तो मैं उससे सारा चीज पूछा था। तो वो जो भी चीज मैंने आपको बताया अलोंग विद जो क्लिप आपने देखा, मैं सारे मिलाकर सारे चीज आपको लोगों को समझा दूंगा, क्योंकि यार आप लोग अभी अभी आईसीसी दिए हो और आप लोगों को भी मन में प्रश्न है कि कैसे आखिर कैसे हम लोगों का एग्जाम का पेपर चेक होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, मैं आप लोगों को सारा चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यार फर्स्ट आते हैं व्हाट इज एलआईसीआर, जो पेज या फिर जो चीज आपने अभी देख रहे हो ये क्या है, आखिर में ये है क्या। आप लोगों के कॉपी में एलआईसीआर लिखा हुआ है, या फिर मैम या फिर जो एग्जामिनर था, जो कोऑर्डिनेटर था, या फिर जो चीज जो लोग बोल रहे थे व्हाट इज एलआईसीआर, एलआईसीआर का मतलब है लाइफ इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मतलब कि अगर आपका कॉपी जो टीचर चेक कर रहा है वो जो मार्क्स दे रहा है वो अभी अभी इंटरनेट पर आ जाएगा, अलोंग विद आपको उस लाइफ टाइम में आपको मार्क्स मिल जाएगा, आपको नहीं मतलब क्या काउंसिल वो सारी चीज एक साथ वो खुद मॉनिटर करने के लिए ऐसा चीज किया। देखो यार आईसीएसई काउंसिल या फिर सीआईएससी काउंसिल बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो एक या फिर जेडीआर दूसरे के लिए वो सारी चीज एक साथ हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर है, या मतलब कि जिधर इवेल्युएशन सेंटर है, एंड इवेल्युएशन सेंटर में, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं व्हाट इज इवेल्युएशन सेंटर, इवेल्युएशन सेंटर मींस जिधर आपका पेपर चेक होता है। ठीक है, इवेल्युएशन सेंटर मींस जिधर आपका आईसीएससी का या फिर आईएससी का पेपर चेक होता है उसको हम कहते हैं इवेल्युएशन सेंटर, जिधर आपका कॉपी करेक्शन होता है। तो ये सारे सेंटर्स को एक साथ या फिर लाइफ टाइम मॉनिटर करने के लिए ये फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया गया बाय आईसीएससी काउंसिल ने, मतलब कि सीआईएससी काउंसिल ने। ठीक है, और 2016 से यार ये पहले चीज जो हम लोग के सामने आया कि एलआईसीआर पेज या फिर एलआईसीआर कॉपी जो भी बोलो, उसके पहले से सब कुछ मैनुअली होता था। तो इस पूरे चीज के लिए यार दो चीज हम लोगों को लगता है, या फिर जो टीचर्स है या फिर जो एग्जामिनर है उन लोगों को जो चीज लगता है, ये दोनों चीज है, एक है एलआईसीआर टैबलेट और एक है एलआईसीआर पेन, जो आप अभी आपके वीडियो के सामने देख पा रहे हो, ये दोनों चीज ही है, एलआईसीआर पेन एंड एलआईसीआर टैबलेट। तो इस सारे चीज के लिए काउंसिल एक रियल टाइम में आपका मार्क्स मॉनिटर कर सकता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले आपने जो एग्जाम दिया ये तो यार आप तो पेपर सबमिट कर दिया और पेपर चला गया कुरियर में, कुरियर करके ये पेपर कहाँ जाएगा ये किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये काउंसिल को मालूम होता है, मतलब कि यार जो काउंसिल के जो हेड है उनको मालूम चलता है कि कितना नंबर पेपर किधर जाएगा, या फिर कौन से स्कूल का पेपर कौन से स्टेट पर जाएगा। मान लो कि आप एग्जाम दे रहे हो मुंबई से और आपका पेपर चला गया दिल्ली, आप एग्जाम दे रहे हो दिल्ली से आपका पेपर आ गया कोलकाता, तो ऐसे ही करके यार पेपर चेकिंग के लिए जाता है इवेल्युएशन डिफरेंट डिफरेंट इवेल्युएशन सेंटर में, और इवन जो टीचर चेक कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम कि कौन सा स्कूल का पेपर है, कौन सा बच्चा है, या फिर ये लड़की है या फिर लड़का है, कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा चीज इंट्रोड्यूस किया आईसीएससी ने, ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला चीज है। ठीक है, तो ये ऐसे करके वो लोग चेक करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, मैं फर्स्ट आपको चीज दिखा रहा हूँ, या फिर अभी जो आपने वीडियो देखा हुई है सीआईएससी का वेबसाइट से वीडियो लिया गया है, तो उधर एक मेन या फिर बोल सकते हो एक कोऑर्डिनेटर है जो इवेल्युएशन सेंटर में रहता है, और वो कोऑर्डिनेट कर देता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनर्स को अलोंग विद देयर डिफरेंट ग्रुप्स, एक ग्रुप्स में, और मेरे को जो वो सर ने बोला अकॉर्डिंग टू हिम एक ग्रुप में मैक्सिमम 4 to 6 टीचर्स रहता है, मतलब कि मान लो कि एक टेबल है उधर 4 to 6 टीचर्स मिलकर एक ग्रुप कंसिस्ट किया जाता है, ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप्स होता है अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेंथ ऑफ दैट इवेल्युएशन सेंटर। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इवेल्युएशन सेंटर, एंड देयर ही आपका सारे चीज एकदम चेक होता है, एंड उधर पुलिस भी रहता है। ठीक है, उधर पुलिस भी रहता है, पुलिस गाइड गार्ड देता है उस पर्टिकुलर जगह को, ये भी बहुत बड़ी चीज है। और देखो आपका जो पेपर आया है उस पर्टिकुलर इवेल्युएशन सेंटर से वो कौन से स्कूल का है, कौन से स्टेट का है, किधर से है, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ और सिर्फ वो जो कोऑर्डिनेटर है या फिर जो कोऑर्डिनेटर जनरल है वो जाएगा उस पेपर को सील ओपन करेगा, आपके आंसर शीट निकालेगा एंड डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा मेरे को वो सर ने बोला है जो बेस्ट टीचर है इन कोलकाता एंड काउंसिल का टीचर भी है। ठीक है, तो मैं उसका नाम ही बोल रहा हूँ, उसका नाम है देवव्रत सर है, बहुत ही अच्छे टीचर है, बेस्ट टीचर है
कोलकाता में कंप्यूटर एंड ही इज अ काउंसिल टीचर, बहुत ही फेमस टीचर है, ठीक है। मैं उनसे बात करके मैं आप लोगों को सारी चीज बोल रहा हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पूरा वीडियो को एंड तक देखना अगर आप आईसीएसई या फिर आईएससी स्टूडेंट हो तो, ठीक है। तो ऐसे करके सारी चीज होता है। तो इसके बाद यार क्या होता है, इसके बाद कुछ सैंपल पेपर्स दिया जाता है पर्टिकुलरली टीचर्स को, या फिर जो टीचर्स चेक कर रहे हैं आपका पेपर, उन लोगों को यार कुछ सैंपल पेपर दिया जाता है। और सैंपल पेपर में मार्किंग स्कीम रहता है, आपको आंसर क्या क्या चीज होना चाहिए वो रहता है, क्या क्या कीवर्ड्स स्पेशली देखते हैं कीवर्ड्स। मान लो कि अगर आप लिटरेचर के एग्जाम दे रहे हो और जो चीज लिखा है अगर वो सारे चीज मिल जाता है उन लोगों का सैंपल पेपर से, मतलब कि कीवर्ड्स, तो आपको फुल मार्क्स देता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि भाई लीनियर चेकिंग होता है या फिर टफ चेकिंग होता है। भाई ऑब्वियसली आईसीएसई थोड़ा बहुत तो लीनियर होगा ही, बट यार एक्चुअल डिपेंड करता है कैसे एग्जाम दिए, मेनली यही बात है, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया। और इसके बाद क्या होता है, सैंपल पेपर देखकर वो चारों ग्रुप में कंसिस्ट किया जाता है, सारे लोगों को पेपर दिया जाता है और आपके पेपर चेक होगा वैसे ही करके। एंड चेक होने के बाद वो चेक करेगा रेड पेन से, ओनली रेड पेन से, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एलआईसीआर पेन से, ठीक है। एलआईसीआर पेन से चेक नहीं किया जाता है, चेक किया जाता है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पेन से। उसके बाद एलआईसीआर इंक वाला पेन जो है अलोंग विद टैबलेट उसके बगल में रहता है, एंड वो टैबलेट अगर आप वीडियो देख पा रहे हो वो टैबलेट देखकर वो लाइफ टाइम इंक मॉडरेशन करते हैं, ठीक है। लाइफ मैंने जो फुल फॉर्म बोला एलआईसीआर का, ठीक है, लाइफ इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, लाइफ इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। जो मार्क्स उधर वो जो देखो आप लोग तो एग्जाम दिए तो पहला पेज में क्या होता है, पहले में हमको सिर्फ साइन करना पड़ता है, उसके बाद पेज हम जब क्रॉस करते हैं उधर हमको यूआईडी एंड इंडेक्स नंबर एंड सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। आप लोग को एग्जाम दिया आप लोग जानते ही हो, ठीक है। और वो जो पहला जो पेज होता है, मतलब कि फर्स्ट पेज, उस फर्स्ट पेज पे अगर आपने अच्छे तरीके से नोटिस किया है उधर एक है बॉक्स, मतलब कि क्वेश्चन अलोंग विद द बॉक्स, एंड एक है सिर्फ चेकिंग, वन है फॉर चेकिंग एंड दूसरा है फॉर रिव्यू। तो अगर आप कॉपी रिव्यू करते हो तो रिव्यू तो उधर एक नंबर दिया जाएगा, बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ चेकिंग, जो फर्स्ट टाइम चेकिंग होता है उधर सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सी क्वेश्चन है, कितना मार्क्स मिला है उधर लिख दिया जाता है उस एलआईसीआर पेन से, एंड वो लाइफ टाइम लाइफ इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाता है उस पर्टिकुलर टैब में जो ऑलरेडी स्लिप मोड में था, स्लिप मोड से वो जनरल नॉर्मल मोड में आ जाता है। और यार सारे आपका मार्क्स कैलकुलेशन भी यार इंटरनेट में ही होता है, मतलब कि यार सारे चीजें नेट में होता है। एंड मान लो कि एक इवेल्युएशन सेंटर है जिधर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट इवेल्युएट हो रहा है, तो आपका यूआईडी कोड से अगर वो चीज वो सब सब ये सब कुछ ऑटोमेटिक है, ठीक है। वो एलआईसीआर पेन से जब आप लिखते हैं उधर ऑलरेडी या लाइफ टाइम कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो यूआईडी कोड है या फिर जो बार कोड है वो बार कोड मैच करके सारे चीज टैब में आ जाता है, एंड लाइफ टाइम आपका मार्क्स आ जाता है उधर ही कैलकुलेट हो जाता है बायोलॉजी का। ऐसे मान लो कि आपका बायोलॉजी का पेपर, मान लो कि आप कोलकाता से हो, मान लो कि मैं तो कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मान लो कि आप कोलकाता से हो और आपका कंप्यूटर पेपर गया मुंबई, आपका लैंग्वेज पेपर गया दिल्ली, आपका लिटरेचर पेपर गया चेन्नई, आपका और भी कुछ पेपर गया उत्तर प्रदेश, किसी भी स्टेट में जाता है, ठीक है। और उधर से डिफरेंट डिफरेंट टाइम में जब आपका पेपर चेक होता है उस पर्टिकुलर टाइम में सर्वर में सारे मार्क्स लाइफ टाइम कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको सारा चीज बोल दिया हूँ, ऐसे करके सारा चीज होता है। एंड अगर आप रिव्यू करते हो कॉपी आफ्टर योर आईएससी रिजल्ट, तो उसका भी एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। अगर आप चाहते हो हो जाएगा तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओ यार, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो वीडियो में इतने, अगर कोई सवाल है आईसीसी रिलेटेड या फिर मार्किंग स्कीम रिलेटेड किसी भी रिलेटेड, आप मेरे को जरूर कमेंट कर सकते हो किधर, नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिलहाल तो वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।